प्लांट का स्ट्रक्चर, तो वो एक अनुपात में होता है, जिसमें होता क्या है, पहली ब्रांच मोटी, इससे छोटी और इससे छोटी करके ऊपर जाते जाते प्रोग्रेसिवली ब्रांच की जो मोटाई है वो सब घटती जाती है, नीचे आते आते मोटाई बढ़ती जाती है। पर एक्चुअली हमें इसे प्लांट मिलते ही नहीं, क्योंकि ये जब ग्रो किया था तो ये पतला था दो दिन, और ये तो इतने ही थे, थोड़े बहुत तो मोटे हुए हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए हमने यहाँ इस्तेमाल की है एक तकनीक जिसे बोलते हैं सेक्रीफाइस ब्रांच, यानी उसको हमें बाद में बलिदान करना है, यानी निकाल देना है दोस्तों। और ये क्यों बढ़ने दी मैंने, क्योंकि ये जल्दी से थिकन होती है। जिस ब्रांच को आप जल्दी मोटा करना चाहते हैं उसको बढ़ने दीजिएगा लोअर ब्रांच को, या कभी कभी इसी तकनीक कहीं ब्रांच में बीच में स्ट्रक्चर में भी कोई ब्रांच को मोटी करना है तो ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बट यहाँ हमने बहुत ही इजीली इसको ग्रो होने दिया और ये देख सकते हैं इन दोनों ब्रांचों से मोटी हो गई है। और थोड़ी मोटी होने के बाद, यानी ये ग्रोथ सीजन जाते जाते हम इसको कट कर देंगे, और ये तो चलता रहेगा मानसून में भी, तो उसको हम फिर स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ऐसा हमने पहले भी एक प्लांट के साथ कर चुके हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। और अब जबकि यहाँ ग्रोथ पीरियड आ गया है, तो हम बहुत ही इजीली इस प्लांट में जो अनवांटेड ब्रांचे हैं उन सबको ऐसे ही पिंच करके रख सकते हैं, यानी पिंच कर देना है, जिससे हमें अच्छी वाली ब्रांचे मिल पाए। ये देखिए बहुत सारी ब्रांचे ग्रो हो जाती है। प्रेमना से रेस लगाना भारी पड़ सकता है दोस्तों, यानी वो हमें हमसे आगे ही चलता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ होता ही रहता है, कंटिन्यू ग्रोथ। ये सिर्फ सर्दियों में थोड़ा रुकता है, तो अब वक्त है कि हम इसमें ब्रांचिंग बनाए। तो एक्स्ट्रा जो ब्रांच है इसी ब्रांचों का मैं निकाल देना, ये स्ट्रेट है तो मैं निकाल रहा। देखिए बहुत ही अच्छा अनुपात में हमने ब्रांचे क्रिएट की है दोस्तों, यहाँ ऐसी थी नहीं ब्रांचे जो हमने क्रिएट की है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसको बड़ा करना। अब किसी बड़े तने से भी प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इन तने में जो ब्रांचे निकलेगी वो एक ही साइज की निकलेगी, उसको हमें अनुपात में बढ़ाना होता है, तब ये तकनीक काम में आती है। तो लोअर ब्रांच को इसे बढ़ाना रहता है और वो अपर ब्रांचों को हम ट्रिम करते रहते हैं। और इसको एक और भी बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं हम, ये उसको हम ट्रिम कर सकते हैं इसको भी, तो कुछ यहाँ भी मल्टीप्लाई मिल जाएगा, यहाँ भी एक ब्रांच है अच्छी वाली, तो फिर हम उसको यहाँ से अलग कर सकते हैं बाद में, तो फिर ये ब्रांचें भी काम की आ जाएगी और सेक्रीफाइस का भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ कुछ टॉप सॉइल होता है, हम न्यू सॉइल मिक्स डाल देंगे, ये हटा लेते हैं हम कुछ, और बाद में यहाँ कुछ नई सॉइल दे देंगे। बीच बीच में मैं मानसून के बाद कुछ सॉइल ऐड करता रहता हूँ, जिससे ये मिट्टी ज़्यादा हो गई है, नहीं तो मेरे सॉइल मिक्स में मिट्टी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ब्रिक बाइट ज़्यादा होता है। यहाँ मैंने एक और तकनीक इस्तेमाल की थी कि हम यहाँ जब क्लीनिंग करते हैं टेरेस को, तो वो साउट हो गई जो मिट्टी होती है वो नीचे जाके सूखती है और पाउडर के फॉर्म में हमें मिलती है जब हम क्लीन करते हैं, तो वो मिट्टी को हम फिर से किसी एक प्लांट में जिसका ग्रोथ अच्छा ना हो ऐसे प्लांट में डाल देते हैं, जिससे प्लांट में एकदम से बूस्ट मिलता है और वो प्लांट ग्रो करने लगता है दोस्तों। तो इसका भी अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर नीचे से मोटा और प्रोग्रेसिवली ब्रांचों में भी टेपरिंग देख सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर बैलेंस बोनसाई तकनीक के साथ जाए, और वो क्या होता है उसके लिए बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल हैं और भी बनेंगे वीडियो, एक बार नहीं वीडियो कई बार बनते हैं, क्योंकि मैं जो भी वर्क करता हूँ वो सीधे शेयर करता हूँ दोस्तों, कोई रिटेक नहीं, बस जो भी होता है वो सीधे शेयर हो जाता है।
तो जो भी वर्क करूंगा दोस्तों, यहाँ कभी वेकेशन में नहीं होता। इस बार थोड़ी गैप हुई बीच में, व्यस्तता के चलते या काम रहता है इसलिए, नहीं तो यहाँ कोई वेकेशन नहीं रहता, सभी सीजन में यहाँ वर्क चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं ये सेक्रीफाइस ब्रांच और भी थोड़ी घनी होंगी, या जितनी जल्दी ये ग्रो करेगी उतनी मोटी होगी और इसको हम जुदा करेंगे, उन सब का अपडेट मिलेगा दोस्तों। आगे क्या होगा, इसका सेट कैसा होगा, वो तो अभी से पता चल ही रहा है। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने जरूर रहिएगा।